हासिल करने के लिए जो हमारी कमेटी बैठी, जो हमारा बोर्ड बैठा हो टिकटों के फैसले करने के लिए कि कौन सा उम्मीदवार चेयरमैन वाइस चेयरमैन और कमिश्नर का आपके लिए बेहतर होगा, तो उससे जब हमने आवाम का सर्वे करवाया, अवामी मैंडेट का सर्वे करवाया, अवाम की खिदमत करने वालों का सर्वे करवाया, और जब हमने ये सर्वे किया कि मियां नवाज शरीफ के साथ किन लोगों ने मुशर्रफ की आमरियत में भी नवाज शरीफ का झंडा उठाए रखा, तो फिर हमारे सामने मकबूल शाह जैसे लोगों के सामने नाम सामने आए, फिर हमारे सामने फरीद साहब जैसे लोगों के नाम सामने आए, फिर हमारे सामने तारिक जहीर जैसे लोगों के नाम सामने आए, फिर हमारे सामने रजब और सफदर अब्बासी जैसे लोगों के नाम सामने आए, तो हमने ये फैसला किया कि हमने किसी बड़ी बरादरी वाले को टिकट नहीं देना, हमने किसी बड़े घर वाले को भी टिकट नहीं देना, हमने ज्यादा पैसे वाले को भी टिकट नहीं देना, हमने अपने वर्करों को और सफेदपोशों को टिकट देना है जो आपकी वोट लेने के बाद उनकी 22 दिन की छुट्टी खत्म ना हो जाए, वो दोबारा अपने दफ्तरों में ना जा सके, जो गलियों और नालियों के मसाइल हल करने के लिए आपके दरमियान में मौजूद रहे। यहां पे बात हुई कि मकबूल शाह के पास अथॉरिटी क्या है, मकबूल शाह के पास मैंडेट क्या है, मकबूल शाह क्या कर सकता है। मेरे भाइयों, मकबूल शाह के पास अथॉरिटी और मैंडेट इतना है कि मकबूल शाह के पास मेरा नंबर मौजूद है और मेरे मोबाइल में मकबूल शाह का नाम सेफ है, और मकबूल शाह डायरेक्ट मुझे फोन करके कहता है कि ये काम करवाना है, और अगले दिन यहां पे पीएमए वाले, रावलपिंडी बेस मैनेजमेंट कंपनी वाले, स्ट्रीट लाइट लगाने वाले, गलियां साफ करने वाले, वाटर सप्लाई का पानी देने वाले आपकी गलियों नालियों में हाजिर हो। यहां सवाल करते हैं कि तारिक जहीर हमारा क्या कर लेगा, हमारी क्या खिदमत करेगा। मेरे भाई तारिक जहीर को मैं अपना भाई कहता हूं, आप सब भी मेरे भाई हैं, लेकिन इनको आपकी नुमाइंदगी का हक इसलिए दे रहे हैं कि जब हमने इनका बात लड़े 2002 में, 2008 में, 2013 में, तो ये वो लोग थे जो हमारा और नवाज शरीफ का झंडा उठा के हमारे आगे आगे बढ़ाते थे। देखो देखो कौन है।